हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रदेश भर के सभी प्रमुख गुरुद्वारों को अपने अधीन 7 महीने पहले ही ले चुकी है, लेकिन SDPC और सिखों के प्रमुख संस्थान मीरी पीरी इंस्टीट्यूट को अपने अधीन लेने से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अब तक पांव पीछे खींचे हुए हैं। बजट में अलग से प्रावधान करने के बावजूद इसे अपने अधीन लेने को कोई इच्छा शक्ति कमेटी नहीं दिखा रही है, इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं संस्थान भी एक तरह से बीच में लटका है। हालांकि अब नवनियुक्त कमेटी प्रधान ने दावा किया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जल्द ही मीरी पीरी संस्थान को अपने अधीन लेगी। बादलों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। बादल गुट व SDPC अमृतसर खुद ही इसको HSGMC को सौंप दे, वरना कमेटी खुद इसे टेक ओवर कर लेगी। ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में हुए अभिनंदन समारोह में वे शिरकत करने पहुंचे थे। HSGPC के प्रधान भूपेंद्र सिंह असंद ने कहा कि अब तक बादल ने प्रदेश के गुरु घरों में मीरी पीरी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान पर कब्जा किया हुआ है। अब प्रदेश की अलग कमेटी बन चुकी है। अब से पहले तक जो बादल व SDPC ये भी नहीं मानते थे कि अलग कमेटी बन चुकी है, लेकिन अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों की आहट से वे मानने लगे हैं। अब SDPC यहाँ सिखों को वोट बनवाने में भी लगी हुई है। एक सवाल के जवाब में प्रधान भूपेंद्र सिंह असंद ने कहा कि मीरी पीरी अब HSGMC का प्रोजेक्ट है। जब अलग कमेटी बन चुकी है तो यहाँ चल रहे संस्थान और सभी प्रमुख गुरुद्वारों की सेवा संभाल HSGMC ही करेगी। SDPC के बहाने बादल गुट ही इस पर काबिज है। अच्छा यही होगा कि बादल गुट खुद कब्जा छोड़ दे। उन्होंने कहा कि इसे टेक ओवर करने में कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, इन्हें दूर कर जल्द मीरी पीरी को अधीन लेंगे। ये कहना गलत है कि भारी भरकम खर्च को देखते हुए कमेटी पीछे हटी हुई है। जत्थेदार सुखबीर सिंह मंडेवर की चिट्ठी पर प्रधान ने कहा कि पूर्व प्रधान महंत करमजीत सिंह व महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा ने सरकार को इस्तीफा देकर ठीक किया। सरकार ने ही एडॉक कमेटी बनाई है, अभी तक एडॉक कमेटी है, ऐसे में सरकार इस्तीफा ले सकती है। बता दें कि मंडेवर की मांग है कि दोनों के इस्तीफे प्रधान में एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल बॉडी के बीच स्वीकार किए जाएं। वहीं प्रवक्ता कवलजीत सिंह अजराणा ने कहा कि इस बारे में मंडेवर कमेटी से बाहर नहीं है, उनसे बातचीत होती है। उनके द्वारा जनरल बॉडी इजलास बुलाने की मांग की है। जनरल बॉडी इजलास बुलाने का हक प्रधान में महासचिव दोनों को है, जल्द ही ये इजलास होगा। वहीं आपको बता दें कि गुरुद्वारा छठी पातशाही में एक दर्जन से ज्यादा सिख जत्थेबंदियों ने नवनियुक्त प्रधान भूपेंद्र सिंह असंद व बीबी रविंदर कौर अजराणा को सम्मानित किया। तेजेंद्र सिंह मक्कड़ के मुताबिक श्री हेमकुंड साहिब सेवा सोसाइटी, श्री सुखमणि साहिब सेवक सोसाइटी, गुरुद्वारा छठी पातशाही सेवा सोसाइटी, गुरु तेग बहादुर सेवक जत्था, गुरु हर राय साहिब सेवक जत्था, बाबा मक्खन सिंह साहिब सेवक जत्था समेत कई जत्थेबंदियों ने नवनियुक्त प्रधान का स्वागत व अभिनंदन किया। और गुरुद्वारा साहब पिछली जगह फैसला करता सी, गुरुद्वारों के बंदे भाए ने, समुचे मैनेजर साहबान, साडा स्टाफ वोटां लई तत्पर है, वोटां बनाउण डए आ। थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पर नहीं, लोकी लगे ने, बहुत तरीके नाल वोटां बन रही ने। लोगों नूं बेनती कीती है जिहदा वोटर कार्ड नहीं है वो फैमिली आईडी ला दो, फैमिली आईडी दे नाल भी वोट बन जाएगा। जिहड़ा अज तो 5 साल पहलू 17 साल का सी, वो अज 22 साल का हो गया, वो कोल वोटर कार्ड नहीं, वो फैमिली आईडी ला जाए। साडी CM साहब नाल गल हुई सी, चोन कमिश्नर नाल गल हुई सी, फैमिली आईडी नाल वोट बन जाएगा, इहो जी गल नहीं भी वोटर नाल कार्ड बनना है। तो सारी संगत नूं अपील करने आ, वध तो वध वोटां बनाउण। जे संगत वोटां बनाउंदी है सिखां दी शक्ति बनदी है, सिखां दा माण बनदा है। तो मैं तुहाडे राहीं पत्रकारां वीरां दे राहीं, तुसीं बड़ा माण दिंदे हो वीर पत्रकार, तुहाडे राहीं मैं अपील करना सिख जगत नूं, वध तो वध वोटां बनाउण। जिन्नियां वोटां बनाउणगे उन्नी शक्ति बनेगी, माण बनेगा सिखां दा, ते बहुत वधिया गल जाएगी संसार भर दे विच। प्रधान जी, वोटों की काफ़ी डिमांड होगी, क्या कोई सरकार से अपील करेंगे कि इसकी तिथि बढ़ाई जाए, तारीख बढ़ाई जाए? सरकार नूं जरूर अपील करांगे, एजेक्टिव दे विच मता भी पाया है, सरकार नूं अपील करांगे। 10 कु दिन तो वोटां दा रिक्वायरमेंट तो ही लंघ गए सन, सिर्फ 20 दिन होए ने वोटां बनदे नूं, 1 महीना टाइम होर चाहीदा है। सरकार नूं बेनती है तुहाडे राहीं 1 महीना कृपा करके एक होर टाइम दे देन, जिहड़ियां सारी सिख जगत दियां हरियाणे दे विच वोटां बन सकन ते सिखां नूं माण प्राप्त हो। प्रधान जी, एक समस्या भी लोगों के बीच में आ रही है, वोट बना प्रशासनिक कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है। नहीं, प्रशासन नूं मैं बेनती की है, DC नाल साडी गल हुंदी रहिंदी है टोटली, उहनां पंजाबी टीचर लाए ने
पर होर भी ला लैन के जिथे परेशानी आती है, जे कोई क्षेत्र परेशानी है जराना साहब न संपर्क कर, उधर होर परेशानी है मैंबर संपर्क कर, कि परेशानी है मेरे न संपर्क कर। प्रधान जी गल की जाए 10 महीने का जिन्हें काम मुलाजमान के रुके सन, जिन्या फाइल पन सारिया कटतियां, परसों चीफ सैकटरी घर बुला लिया है, जिन्हें बाकी काम रह गए वो सारे क्लीयर कर देंगे। जोड़े काम रुके ने सेवा रुकिया ने वो होर दसा भी दिन शुरू हो जाएगियाँ। असी तत्पर हाँ काम से, कभी झूठ नहीं मारिया, ना मारांगे, ना मारन की आदत, सच बोलांगे। तो सारी संगत को अपील है कि यह जी गल नहीं होंगी, सच वाली गल यह गल नहीं कम हो। असी सरदार बादल नूं बेनती करने आ, वो हुण हरियाणे जा के वोटां बनाउण लग गए। पहलू तो सरदार बादल आते हमने कमेटी ही नहीं, हरियाणे वाले असी मनते ही नहीं। मैं वधाई देना वा सारी संगत को, बादलों ने कमेटी तो मन ली, हरियाणा कमेटी कमेटी हैगी, हरियाणा कमेटी कमेटी हैगी है, एक गल तो उन्हें मन लीए। दूजी गल ये वे 2016 की NOC मिली है मेरी पीरी मैडिकल कॉलेज में, रिक्वायरमेंट पूरी है। बादलों जान बुझ के हरियाणे के सिखा कुछ दिता नहीं, हूँ जो हरियाणा कमेटी एडरी हो गई है हूँ भी झूठ के लारे लाण रहे हैं। उत्थे शुरू तो नहीं किया कुछ, कभी आते ने लोन लेना, कभी आते ने कुछ करना, कुछ भी नहीं किया, साड़ी झोली पा देन। असी हाथ जोड़ के तुहाडे राही बेनती करने आ सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं, धामी साहब नूं साड़ी झोली पा देन, असी बना देंगे हरियाणे की संगतां की जिहड़ी मंग है असी पूरी करके विखावांगे, साड़ी झोली पा देन भरावां वांग। जब गुरु घरों की सेवा संभाल ली थी तो उसमें क्या अड़चन आई? उहदे थोड़ी बाबे ने तकनीक सी, बाबे तो नहीं संभाली गई। असी सलाह करके सारी कमेटी एक्टिव की मीटिंग है 7 दी, उहदे च फैसला करांगे, उहदा पैसा की उहदा लामे करांगे, सारियां जो तकनीक है वह सारी महारा नाल सलाह करके असी तुरंत ही अपना कॉलेज लवेंगे, साड़ी चीज़ है असी संभालांगे। ट्रस्ट का है ये किसी नूं भी मीटिंग बुलाने का हक है, अपने इकट्ठे हो सकते हैं, गलबात कर सकते हैं। जनरल अजलास सिर्फ तो सिर्फ प्रधान जी बुला सकते हैं या ऑफिस वालों बुलाया जा सकता है, साडा चीफ सकत्तर है उहदे वालों बुलाया जा सकता है, तो प्रधान साहब बुला सकते हैं। बेनती है प्रधान जी ने कहा कि जल्द ही आपां जनरल अजलास भी बुलावांगे, उहदे विच भी जो भी अपने मैंबर साहिबान ने जिन्हां उहनां दीआं मंगां ने जो भी है सारे मैंबरां ने सरदार भुपिंदर सिंह जी इस संद नूं अपना प्रधान मान लिया है। ये अज स्पष्ट करदे आ तुहाडे अगे कि अज भी सवेरे गाबड़ी साहब अपना सुदर्शन सिंह जी गाबड़ी आए सन, बलकीत सिंह जी गुराया आए सन, सारे दीदार सिंह जी नलवी आए सन, सारे मैंबर साहिबान आ के मिल रहे ने, अपने काम करवा रहे ने, सारे मैंबरां ने अपना प्रधान मान लिया। तो जी 7 तरीक नूं अपना पता लग जाए भी कौन हुंदा है, की गलबात हुंदी है। असी मंडेवर साहब नूं भी बेनती करने आ कि सानू समा बहुत थोड़ा, साडे कोल समा सिर्फ 6 महीने का रह गया है, उस तो बाद चुनाव होने ने, असी आपस के जोड़ा कोई गलबात है उन्होंने बह के आप सुलझाइए। अगर किसी के मन च, मेरे हिसाब न मंडेवर साहब के मन के कोई गल नहीं हैगी, उन्होंने मेरी रोज़ गलबात हो रही है, एवें की जो कोई गल होगी उन्होंने मैं बिच पै के सुलझावगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, कमेटी बहुत वधिया चलेगी। जिमें दुनिया के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का ना है, जिमें दुनिया के दिल्ली से गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का ना है, उस तरह दुनिया के चंगे कार्यों के लिए हरियाणा से गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का ना होगा। चाहे काम कर 22 साल 28 साल का तजर्बा है एज ए मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का, अज भी वह मैंबर ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी जितते हुए ने, लेकिन अपनी हरियाणे की संगत करके, हरियाणा कमेटी करके, अपने लोगों करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो उन्होंने इस्तीफा दिता है, कि अज प्रधान हाँ जी इस्तीफा इन्होंने उत्ते देता है, नहीं कर ना कर असी दे दिता है, असी इस्तीफा उन्होंने दे दिता है, ना उन्होंने मीटिंग जाएंगे ना उन्होंने किसी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।